का धूम मचाए हुए था और इनका स्टाइल सुनाने का ढंग वो बिल्कुल अलग है। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि आज हम जो भी सोचते हैं, आज जो भी नाम है, उसके पीछे केवल एक ही चीज है, वो जो हर कलाकार के लिए है कि हमें आशीर्वाद की जरूरत है। बड़ों से हम आशीर्वाद लेना, बड़ा जो भी आशीर्वाद देता है उसमें खाली कुछ नहीं जाता, बहुत कुछ मिलता है। और कभी किसी से ये हम नहीं कहते कि ये तो हमको आता है, अगर हमने ऐसा कहा उसके बाद समझ ली फिर आपको कुछ नहीं। सीखने के लिए हमको झुकना पड़ेगा। और एक ही बात जो मैंने सीखी है जिंदगी में, एक बुजुर्ग थे, उनके लड़के बहुत अच्छे सिंगर रेडियो पे थे, तो उन्होंने रात को शो से लौटने के बाद अपने पिताजी से मिलवाया, बोले दादा ये के नायकर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत इनका नाम है। तो उनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे एक बात उस दिन कही कि बेटा ऐसा है कि तुम ये बूढ़ा आदमी है, जब एक बात याद रखना, पहाड़ चढ़ते चले जाना, चढ़ते चले जाना और बीच में पलट पलट के देखना, नहीं नहीं तो सर के बल गिर जाओगे, फिर कभी नहीं चल पाओगे। तो वो एक बात मैंने बांधी। जिस स्कूल में पढ़ता था वही प्राइमरी स्कूल से मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया, और मुझे उस स्कूल में जैसे ही मैंने अपनी वॉइस चेंज की, क्योंकि फीमेल वॉइस हमारी गॉड गिफ्ट है, और मुझे आज भी नहीं मालूम कि कैसे चेंज होता है, कैसे हो जाती है, तो उस वक्त मैंने उनकी जब औरतों की नकल करना शुरू की, तो एक हमारे शर्मा टीचर थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ढकेलते हुए स्टेज से बस उस जरा से ऐसे मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा आज के बाद कभी नहीं। ऐसा कुछ भगवान था, मगर दूसरे दिन सरस्वती पूजा थी, कर्नल साहब वहाँ चीफ गेस्ट थे उस प्रोग्राम में, उन्होंने मुझे उस दिन सुना था, तो वो उनका एक मेजर मुझे ढूंढता हुआ आया कि वो कल वो लड़का वहाँ स्कूल में वो कर रहा था, तो मैं भाग गया। मैंने कहा कहाँ मिलती पुलिस पकड़ने आई है। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं आज सरस्वती पूजा है हम बंगाली कम्युनिटी की, तो उसमें कल वो लड़के का प्रोग्राम देखा था, तो उसको हम लोग चाहते हैं, तब फिर हमको लोग लेके आए, नहीं भे प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं और कुछ बात नहीं है। तब हम आए नमस्ते नमस्ते, कोई दूसरे दिन शो हुआ। दूसरे दिन जब शो हुआ तो पहला दिन वो था स्कूल का जिसमें भगाए गए, और दूसरे दिन जब बंगालियों का फंक्शन था, और उसी दिन जो कुछ भी मैंने तैयार किया जो आज तक हमारी कैसेट में है, ये एक दिन की उपज थी। और उस उपज में से जब मैंने शुरू किया बोलना, तो बंगाली लोग तो बहुत टैलेंटेड है, उनके तो प्ले था, ये था, वो था, सब था, और अपन ने जो माइक पकड़ा उस दिन, तो अपन को समझ ही नहीं आ रहा कि हमको बंद भी करना चाहिए। तो उस जमाने में रेडियो पाकिस्तान और फिल्म एक्टरों की वॉइस जितनी जी में आई समझ में, अपने पीछे से बंगाली लोग मेरे पर्दे पे से ऐसे उंगली टोचे, इसके बोल में रावण प्ले है। इसके बोल में रावण प्ले है, जल्दी खत्म करके चेष्टा करो।
वहां काय की चीज का अशोक कुमार की आवाज निकाली तो बंगाली लोग एकदम खुश खड़े होनी दे दे इतना उस दिन का मुझे अच्छे से ध्यान है हमिंग थोड़ा कम तो तात्पर्य कहने का ये है कि वो पहला दिन हमारी जिंदगी का उसके बाद फिर पलट के हमने नहीं देखा बस दो चीजें हमने जहन में अपने आज भी बैठा के रखी है कि हर कलाकार को एक तो बढ़िया इंसान होना चाहिए और लेकिन हमारे पास इंसानियत के अलावा कुछ नहीं मगर हर कलाकार को उसूल का भी पक्का होना चाहिए अगर आप उसूल के पक्के हैं तब तो फिर आप आगे चलेंगे वही आपकी एनर्जी बना के रखता अगर आपके पास उसूल नहीं है तो कभी भी स्लिप हो जाएगा तो एक तो उसूल रखिए अपना और सीखने के लिए कभी ये मत सोचिए कि इस बच्चे से क्या सीखना है क्योंकि हम जितने मिमिक्री आर्टिस्ट यहाँ बैठे हैं हमें तो ये लफ्ज ही नहीं मालूम था आई एम नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट हम लोग तो हायर सेकेंडरी पास आदमी यानी हम लोगों की ये विधा ही हमारा सबसे बड़ा डिग्री है हमने अपनी बहन से कहा हम तो यार कॉलेज नहीं पढ़े राधा सिस्टर का नाम है छोटी वो एम ए थी हिंदी में बोले कितने लोग के गिनाए करें हिंदुस्तान में तुमको तो डिलीट मिलना चाहिए मगर हिंदुस्तान में हमारी सरकार मध्य प्रदेश की उसने आज तक डिलीट तो ये बहुत अच्छा सुनने में लगता है उसको मालूम ही नहीं है कि ये मध्य प्रदेश में ये कोई ऐसा कलाकार है जिसको हिंदुस्तान में पूजा जाता है सरकार की तरफ से हम कभी अपेक्षा रखते ही नहीं कि हमें सरकार सम्मान क्या करेगी सम्मान जो कलाकार को हमारी ऑडियंस से मिलता है उससे बड़ा सम्मान हमें तो सम्मान की भूख नहीं रही मगर सम्मान जो कुछ भी मिला है उसका वर्णन बहुत अथाह सागर है मैंने इतने 70 साल 71 साल में अपना अनुभव पाया हुआ है तो बस मेरा यही कहना है कि हम लोग इसमें कदम रख रहे हैं तो कभी भी किसी को पैर में पैर फंसा के आगे भागने की कोशिश मत करना क्या बात हमारा उसूल रहा है हमसे ज्यादा आप नाम कमा लें आप 6-8 हमसे बड़े आर्टिस्ट हो गए कंपटीशन में क्या है कुछ नहीं यहाँ जिस दिन मैं कंपटीशन में आया था उस दिन मैं साफ कह दिया था मैंने कहा क्या कंपटीशन है भाई मैंने कहा खड़े हो आपका ओरिजिनल क्या है वो है कंपटीशन आपका ओरिजिनल आप कितनी थाई में है आप वो बताओ ऐसे तो हम लतीफे और ये वो संग्रह करके खड़े हो गए आज पद्म भूषण पद्मश्री ये सब जो है नकल करने पे नहीं मिलती आज मैं याद है जब सुधीर भोसले जी का कैसेट आया था उस दिन मैंने कहा ये आवाज निकालना छोड़ दो भाई मैं एक ही बात जानता हूं कि वो हर शख्स सम्मानित है जो मौलिक है इसको पकड़ने की कोशिश करे अगर कलाकार अपनी मौलिकता को देखिए इनकी मौलिकता सूर्य भाई की मैं आपसे क्या बतलाऊं मैं इनकी प्रशंसा नहीं करता हूं तो ये प्रशंसित हैं क्योंकि ये जब तहे दिल से होता है ना तो वो निकलता ही नहीं सारा अंदर ही अरे क्या बोले कितना बोलेगा मैं पहली दफा जब मैंने कहा यार इसको कहते हैं जैसे सामान दिखाते हैं दुकानदार साहब ये ले लीजिए ये बहुत बढ़िया चीज है और अगर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा ये देखिए आप ये अब वो कॉस्टली पड़ेगा के बाद तीसरा फिर दिखाता है ऐसे में गिनती इन्होंने जो कुछ भी हिंदुस्तान में छोड़ा और वो चीज ब्लास्ट हुई तो मुझे खुशी होती कि ऐसा कलाकार जो है वही हो सकता है जो सम्मान करना जानता होगा क्या बात
आप सम्मान दीजिए आपको सम्मान मिलेगा। और मैं सिर्फ बहुत हम लगभग मैं समझता हूँ जितने हम बैठे हैं हम लोग बहुत स्ट्रगल करके हमारी फैमिली हम लोगों को बनाया हमने।